तो दोस्तों आज हम बात करने वाले टेक्स्ट ग्लो इफेक्ट के बारे में अपनी फिल्म और के अंदर, तो बनी मेरे साथ इस वीडियो में। तक नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश, आप देख रहे हैं कॉस्मिक रूटी। चलो चलिए शुरू शुरुआत करते हैं तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आज के फिल्म और की होम स्क्रीन पर तो सिंपली इंपोर्ट कर लेना है अपने यहाँ पर अपना टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं टाइटल पर गया, सिंपली अपने टेक्स्ट इंपोर्ट कर लिया। तो टेक्स्ट इंपोर्ट करने के बाद सिंपली अपने करना क्या है, यहाँ पर अपने एडवांस सेटिंग में जाना है टेक्स्ट की, और यहाँ पर अपने कोई भी अगर अपना जो है एनिमेशन लगा हुआ है तो उसको हटा देना है टेक्स्ट के ऊपर से। देन इसके बाद सिंपली ओके कर देना है। तो ओके हो जाने के बाद सिंपली अपने को करना क्या है, यहाँ पर अपने वो टेक्स्ट में जो भी अपने को टाइप करना है, जैसे कि अपना नाम चैनल का है, फिर अपना नाम, तो वो टाइप कर देना है सिंपली, काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम टाइप कर देता हूँ, कॉस्मिक ब्रो, COSMICBROW ब्रो। देन इसके बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ पर मैं अपना जो कोई भी एक फॉन्ट अप्लाई कर दूँगा, जो भी मुझे XYZ मिलेगा। बाकी मैं ये फॉन्ट जो अप्लाई कर रहा हूँ इसका आपको स्क्रीन पर नाम दिख ही रहा होगा, ठीक है। इसके बाद सिंपली अपने करना क्या, यहाँ पर इसका स्केल जो है वो अपने को थोड़ा सा कम कर देना है। मैं कम कर रहा हूँ, अगर आपको बड़ा ही सही लग रहा है तो आप बड़ा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद इसके हर लेटर में अपने को करीब 2 क्लिक्स का गैप रखना है, मतलब 2 बार स्पेस बार को दबाओगे तो 2 क्लिक मानते हैं, तो उसका गैप रखना है। देन इसके बाद सारे ही लेटर में रखना है आपको, ठीक है। इतना सब हो जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या, मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है इतना सब हो जाने के बाद। देन इसके बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपने ओके कर देना है। ओके हो जाने के बाद अब करना क्या है, यहाँ पर एक बार डबल क्लिक करूँगा दोबारा से, और यहाँ पर इसकी मैं जो बोल्ड है वो उसे हटा दूँगा और वाइट कर दूँगा इसका मैं कलर। देन इसके बाद सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट अपने को बेस्ट सेटिंग्स में करना है बिल्कुल, तो 60 FPS और मैंने बेस्ट सेटिंग रखी है, तो उसमें सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ पर फाइन टारगेट करना है, मैंने गलती से क्लोज कर दिया, बाकी मैं अभी दोबारा से वीडियो ले आऊँगा इसको फिल्म हो रहा है मतलब। तो सिंपली यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से अपनी जो अभी इम्पो मतलब एक्सपोर्ट करी हुई वीडियो उसको फिल्म और ले आया। देन इसके बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपने को जो टेक्स्ट वाली लेयर वो हटा देना है, और सिंपली यहाँ पर अपनी जो वीडियो है उसको लेयर पर ले आना है। देन थोड़ी टाइमलाइन को एक्सटेंड करना है। देन इसके बाद सिंपली इफेक्ट्स पे जाना है। इफेक्ट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ग्लो इफेक्ट सर्च करना है। तो ग्लो इफेक्ट सर्च करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर 2 ग्लो मिलेंगे, तो ये सिंपली ये वाला ग्लो जो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से लगा रहा हूँ ये वाला लगा देना, और सिंपली ऐसे ही लगाना जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर मत रख देना, ठीक। तो मैं यहाँ पर 3 बार अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये ग्लो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मतलब 3 बार में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो बढ़िया है यहाँ पर। तो सिंपल डबल क्लिक करना है वीडियो पर, यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स में जाना है, और इसके बाद आपको इसकी जो रेडियस है वो 0 कर देनी है फर्स्ट वाले की। सेकेंड वाले की रेडियस अराउंड आप 11 रख सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, जो भी आप जितना भी आप ग्लो चाहते हो उसके हिसाब से भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप थर्ड वाले ग्लो की जो रेडियस है उसको 0 रख लेना, क्योंकि मुझे सही लगी 0, तो आप भी 0 रख लेना। बाकी अल्फा से अगर आपको कोई छेड़खानी करनी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो बाकी मुझे सब कुछ सही लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं लगी, तो सिंपली मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। ओके हो जाने के बाद अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चला करके किस तरीके से अपना जो टेक्स्ट ग्लो बना है। तो कुछ इस तरीके से अपना टेक्स्ट ग्लो जो है यहाँ पर बना है, तो एक बार मैं आपको फुल स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में।